ज्योतिष और पौराणिक ग्रंथों में युगों के माने अलग अलग हैं। हमारे पौराणिक ग्रंथों के अनुसार चार युग होते हैं, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर और कलयुग। कहते हैं कि कलयुग में पाप अपने चरम पर होगा। वर्तमान में यही कलिकाल अर्थात कलयुग चल रहा है। ग्रंथों में इस युग में क्या क्या होगा या घटेगा ये स्पष्ट लिखा गया है। यह भी है कि इस युग में जब भी कहीं प्रलय होगी तो सिर्फ हरि कीर्तन ही उससे मनुष्य जाति को बचाएगा। तो दर्शकों, आइए मिलकर जानते हैं पुराणों में कलयुग का व्याख्यान और ये कि कलयुग में सावधान क्यों रहें। नमस्कार और स्वागत है आप सभी का द डिवाइन टेल्स पर एक बार फिर। क्रमांक एक, पुराणों में ये लिखा है कि जो व्यक्ति, संगठन या समाज वेद विरुद्ध आचरण कर भारत की धार्मिक और सांस्कृतिक एकता को खंडित करेगा उसका आने वाले समय में समूल नाश हो जाएगा। पुराणकार मानते हैं कि जैसे जैसे कलयुग आगे बढ़ेगा वैसे वैसे भारत की गद्दी पर वेद विरोधी लोगों का शासन होने लगेगा। ये ऐसे लोग होंगे जो जनता से झूठ बोलेंगे और अपने कुतर्कों द्वारा एक दूसरे की आलोचना करेंगे। इन लोगों का कोई धर्म नहीं होगा, ये सभी विधर्मी होंगे। ये सभी मिलकर भारत को तोड़ेंगे और अंततः भारत को एक अराजक भूमि बनाकर छोड़ देंगे। क्रमांक दो, भागवत पुराण में लिखा है जब सभी वेदों को छोड़कर मनुष्य संस्कार शून्य हो जाएंगे तब ऐसे लोग सत्ता पर काबिज होंगे जो सबके सब परले सिरे के झूठे, अधार्मिक और स्वल्पदान करने वाले होंगे। दूसरे की स्त्री और धन हथियार लेने में ये सदा उत्सुक रहेंगे। ना तो इन्हें बढ़ते देर लगेगी और ना ही घटते, इनकी शक्ति और आयु कम हो जाएगी। राजा के वेश में ये मलेच्छ ही होंगे। छोटी बातों को लेकर ये क्रोध के मारे आग बबूला हो जाएंगे, लूट खसोट कर अपनी प्रजा का खून चूसेंगे। जब ऐसा शासन होगा तो देश की प्रजा में भी वैसा ही स्वभाव, आचरण और भाषण की वृद्धि होगी। राजा लोग तो उनका शोषण करेंगे ही, आपस में भी वे एक दूसरे को उत्पीड़ित करेंगे और अंततः सब के सब नष्ट हो जाएंगे। नंबर तीन, भविष्योत्तर पुराण के अनुसार ब्रह्मा जी ने कहा, हे नारद, भयंकर कलयुग के आने पर मनुष्य का आचरण दुष्ट हो जाएगा और योगी भी दुष्ट चित्त वाले होंगे। संसार में परस्पर विरोध फैल जाएगा और विशेषकर राजाओं में चरित्रहीनता आ जाएगी। देश देश और गांव गांव में कष्ट बढ़ जाएंगे। संतजन दुखी होंगे, अपने धर्म को छोड़कर लोग दूसरे धर्म का आश्रय लेंगे। देवताओं का देवत्व भी नष्ट हो जाएगा और उनका आशीर्वाद भी नहीं लगेगा। साथ ही मनुष्यों की बुद्धि धर्म से विपरीत चलती जाएगी। क्रमांक चार, महर्षि व्यास के अनुसार कलयुग में मनुष्यों में वर्ण और आश्रम संबंधी प्रवृत्ति नहीं होगी। वेदों का पालन कोई नहीं करेगा। कलयुग में विवाह को धर्म नहीं माना जाएगा। शिष्य गुरु के अधीन नहीं रहेंगे। पुत्र भी अपने धर्म का पालन नहीं करेंगे। कोई किसी भी कुल में पैदा क्यों ना हुआ हो, जो बलवान होगा वही कलयुग में सबका स्वामी होगा। सभी वर्णों के लोग कन्या बेचकर निर्वाह करेंगे और कलयुग में जो भी किसी का वचन होगा उसी को शास्त्र माना जाएगा। क्रमांक पांच, कलयुग में थोड़ा सा धन आने से मनुष्यों में बड़ा घमंड होगा। स्त्रियों को अपने केशों पर ही रूपवती होने का गर्व होगा। कलयुग में स्त्रियां गरीब पति को त्याग देंगी। उस समय धनवान पुरुष ही स्त्रियों का स्वामी होगा। जो अधिक देगा उसे ही मनुष्य अपना स्वामी मानेगा। कलयुग के लोग प्रभुता के कारण ही संबंध रखेंगे। नंबर छह, कमाया गया धन घर बनाने में ही समाप्त हो जाएगा। इससे दान पुण्य के काम नहीं होंगे और बुद्धि धन के संग्रह में ही लगी रहेगी। सारा धन उपभोग में ही समाप्त हो जाएगा। कलयुग की स्त्रियां अपनी इच्छा के अनुसार आचरण करेंगी। विलासता में ही उनका मन लगा रहेगा। अन्याय से धन पैदा करने वाले पुरुषों में उनकी आसक्ति होगी। कलयुग में सब लोग सदा सबके लिए समानता का दावा करेंगे लेकिन असल में ऐसा होगा नहीं। नंबर सात, कलयुग की प्रजा बाढ़ और सूखे के भय से व्याकुल रहेगी। सबके नेत्र आकाश की ओर लगे रहेंगे लेकिन वर्षा न होने से सूखे से परेशान मनुष्य आत्महत्या करने को मजबूर होंगे। कलयुग में सदा अकाल ही पड़ता रहेगा। सब लोग हमेशा किसी न किसी कलेश से घिरे रहेंगे। किसी किसी को तो थोड़ा सुख मिल भी जाएगा। सब लोग बिना स्नान करे ही भोजन करेंगे। देव पूजा, अतिथि सत्कार, श्राद्ध और तर्पण की क्रिया कोई नहीं करेगा। कलयुग की स्त्रियां लोभी, नाटी और अधिक खाने वाली और मंद भाग्य वाली होंगी। गुरुजनों और पति की आज्ञा का पालन नहीं करेंगी, अपना ही पेट पालेंगी और क्रोध से बरी रहेंगी। देह शुद्धि की ओर ध्यान नहीं देंगी और असत्य और कटु वचन बोलेंगी। इतना ही नहीं,
वह दुराचारी पुरुषों से मिलने की अभिलाषा करेंगी। क्रमांक 8, कलयुग आने पर राजा प्रजा की रक्षा नहीं करेंगे बल्कि कर के बहाने प्रजा के ही धन का अपहरण करेंगे। अधर्मी मनुष्य संस्कारहीन होते हुए भी पाखंड का सहारा लेकर लोगों को ठगने का काम करेंगे। उस समय पाखंड की अधिकता और अधर्म की वृद्धि होने से लोगों की आयु कम होती चली जाएगी। घोर कलयुग के समय 5 से 7 वर्ष की स्त्री और 8 से 10 वर्ष के पुरुषों की ही संतान होने लगेगी। घोर कलयुग आने पर मनुष्य 20 वर्ष तक भी जीवित नहीं रहेंगे। इसके अलावा लोग मंदबुद्धि होंगे, व्यर्थ के चिन्ह धारण करने वाले और बुरी सोच वाले होंगे। क्रमांक 9, लोग ऋण चुकाए बिना ही हड़प लेंगे तथा जिसका शास्त्र में कहीं विधान नहीं है ऐसे यज्ञों का अनुष्ठान होगा। मनुष्य अपने आप को पंडित समझेंगे और बिना प्रमाण के ही सब कार्य करेंगे। तारों की ज्योति फीकी पड़ जाएगी, दशों दिशाएं विपरीत हो जाएंगी, पुत्र पिता को तथा बहुएं सास को काम बताएंगी। कलयुग के समय के साथ साथ मनुष्य वर्तमान पर विश्वास करने वाले शास्त्र ज्ञान से रहित दम्भी और अज्ञानी होते जाएंगे। क्रमांक 10, श्रीमद् भागवत के द्वादश स्कंद में कलयुग के धर्म के अंतर्गत श्री शुक्र देव जी परीक्षित से कहते हैं, ज्यों ज्यों घोर कलयुग आता जाएगा त्यों त्यों उत्तरोत्तर धर्म, सत्य, पवित्रता, क्षमा, दया, आयु, बल और स्मरण शक्ति का लोप होता जाएगा। कलयुग के अंत के समय बड़े बड़े भयंकर युद्ध होंगे, भारी वर्षा, प्रचंड आंधी और जोरों की गर्मी पड़ेगी। लोग खेती काट लेंगे, कपड़े चुरा लेंगे, पानी पीने का सामान और पेटियां भी चुरा ले जाएंगे। चोर अपने ही जैसे चोरों की संपत्ति चुराने लगेंगे, हत्यारों की भी हत्या होने लगेगी, लोगों की आयु भी कम होती जाएगी। कलयुग के अंत में जिस समय कल्कि अवतार अवतरित होंगे उस समय मनुष्य की परम आयु केवल 20 या 30 वर्ष ही रह जाएगी। जिस समय कल्कि अवतार आएंगे तब मनुष्य की लंबाई काफी घट चुकी होगी। अब अंत में इस घोर कलयुग से बचने का एकमात्र तरीका ये है कि व्यक्ति को वेदों की ओर लौट आना चाहिए और हरि कीर्तन करके खुद को सुरक्षित रखना चाहिए। क्या ये सब लक्षण आज हम सबके सामने नहीं है? नीचे कमेंट्स में हमें अपने विचार अवश्य बताएं। मिलेंगे फिर एक अन्य आध्यात्मिक वीडियो के साथ किसी और दिन। जुड़े रहे द डिवाइन टेल्स परिवार के साथ YouTube और Facebook पर। फिलहाल आज के लिए इतना ही। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।